टॉपिक ते बड़ा कॉमन टॉपिक है, फेयर दे उत्ते है, इट्स बेस्ड ऑन फेयर एंड आई विल स्टार्ट विद दिस स्टोरी, फिर उन्होंने डिस्कस कर दिया किस तरह। एक ना पिंड दे विच एक बंदा रहना होंदा वै, आदमी रहना होंदा, तो उन्हों दिमाग च यह गल होंदी कि परमात्मा नूं पाउण दा इक्को ही तरीका है, जिहड़ा इंसान भय मुक्त हो जाता अभे च चला जाता, जिन्हों कोई डर नहीं लगता वो इंसान जिहड़ा परमात्मा नूं पा सकता है। इस परसुएट विच ना वह पिंड छड्ड दिंदा, पहाड़ां च जंगलां च चला जाता, अपने आप च डिवेलप करता कि उन्हों किसी चीज़ तो डर ना लगे। तो कहा जाता है कि उस बंदे नूं हौली हौली सारे जानवरों तो डर लगना बंद हो गया, पहाड़ की चोटी के उत्ते उन्हें अपनी कुटिया बना के रह ली, तो कहिंदे सिंह भी उहदे पिछे जे गरजदा सी ना तो वह अपनी साधना च मस्त रहिंदा सीगा, उन्हूं हिलदा नहीं सीगा, डर नहीं सी लगदा, तो सप भी उहदे उत्ते जे लोटदे सीगे ना, लेटदे सीगे सप उहदे उत्ते, तो उन्हूं जरा जिही भी कंप कंपी नहीं सी हुंदी, तो हौली हौली जिहड़ी उहदी है फितरत सी ना आसे पासे दे पिंडां दे विच सारे पासे फैल गई कि कल्ला जिहड़ा योगी है पहाड़ दे उत्ते रहिंदा है किसी चीज़ तो वह डरदा नहीं है बिल्कुल भी, तो उन्हें काफ़ी अचीवमेंट कर ली है। बुढ़ा हो जाता इस तरह उपर रहिंदा रहिंदा बहुत साल बीत जाते हैं, तो एक बार एक भिक्षु उस रस्ते चो लंघदा हुंदा है, तो उस पिंड चो लंघदा हुंदा है, तो पुछदा है किसी नूं कि भी परमात्मा नूं पाउण दा की रस्ता है, तो सारे उन्हूं कहिंदे कि इस तरह वह योगी हैगा उही तुहानूं दस सकदा, वह उत्ते रहिंदा, वह जांदा है उपर जांदा पहाड़ की चोटी ते जांदा है, तो देखदा है कि वह साधु जिहड़ा पत्थर की चट्टान दे उत्ते बैठ के अपनी भगती करदा हुंदा है, तो उन्हूं जाके एक ही सवाल पुछदा है कि परमात्मा नूं पाउण दा की रस्ता है, उन्हूं एक ही जवाब उहदे जो तुहानूं ठीक लगता जिस उत्ते सारी उम्र तुसी चले हो, अभे जिहड़ा वो कहिंदा अभे जिहड़ा ना डरना है उही परमात्मा नूं पाउण दा रस्ता वै। इन्नी देर दे विच एक शेर आ जाता, तो वह पिछों दहाड़ एकदम, वह साधु तो उस तरह का उस तरह रहा, तो वह जो बंदा हों जो छोटा भिक्षु हों एकदम डर जाता, कंबन लग पैंदा, वो पसीने छुट्टन लग जाते हैं, तो जो साधु हों हसन लग पैंदा वो उत्ते कि कहिंदा डर गया, हाँ बस डर गया, परमात्मा नूं पाउण दीआं गल्लां करदा तो डर गया, घबराया हो कहिंदा बिल्कुल डर गया, मैनू बहुत प्यास लगी है, मैं इन्ना घबरा गया, मैनू प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दो, तो इस तो अगे मैं धर्म की कोई गल नहीं करनी, मैं जिहड़े रस्ते आया मैं उस रस्ते वापस जाना चाहना वा, तुसी सिर्फ मैनू एक गिलास पानी पिला दो। जदों कुटिया दे विच पानी लैन जांदा है तो वह जिहड़ा छोटा भिक्षु हुंदा वै वह एक पत्थर दे नाल, जिहड़े पत्थर दे उत्ते वह वड्डा साधु बैठा हुंदा है, तो पत्थर दे नाल एक धर्म की एक पंक्ति लिख दिंदा वै, तो जदों वह वड्डा साधु आंदा है उन्हूं पानी फड़ांदा है तो पत्थर ते बैठन लगदा है, तो पैर उहदा उहदे ते पैन लगदा है, तो एकदम पिछे हो जांदा है, इंज करके डर जांदा है। हुण वह छोटा भिक्षु उहदे ते हसदा है, कहिंदा बस डर गया, तू भी डर गया, कहिंदा जिहड़ा मेरा डर सीगा इह ते एक नैचुरल फेयर सीगा कि तुसी अपनी जान नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा डर है वह एक नैचुरल फेयर है, पर जिहड़ा तेरा डर है वह डीप सीटेड है, वह साइकोलॉजिकल डर है, ऐ ना सोच तू कि तू डर तो मुक्त हैगा, मैं डर तैनू भी हैगा पर तेरा जिहड़ा डर हैगा वह अननैचुरल है, मेरा नैचुरल है, मैं तो हो सकता है कि कभी परमात्मा नूं पा जावां पर तू कभी परमात्मा नूं नहीं पाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेयर बेसिकली, कि एक तो जिहड़े फिजिकल लैवल दे फेयर हुंदे है वह इंपॉर्टेंट हुंदे है कि जे वह ना होण तुहाडी लाइफ दे विच, जिवें बस आ रही है तुसीं कहो जी मैनूं ते डर ही नहीं लगता मैं बस ते अगे चले जावां ते की है, दिस इज स्टूपिडिटी, इहदा मतलब यू आर नॉट सेंसिटिव टू यूअर लाइफ, पर जिहड़े असली डर हैगे आ साइकोलॉजिकल डर हैगे आ उहनां नूं की है ते उहनां नूं किस तरह हैंडल करना दे आर मोर इंपॉर्टेंट। सैकेंडली जिहड़ा डर हर तरह का जिहड़ा डर है ना, जे छोटे अमाउंट का डर है ना वह कोई इन्ना बुरा नहीं हुंदा, जिस तरह के असी कोई
एग्जाम पास करना है, जो इंसान डरेगा थोड़ा बहुत वो पढ़ भी लेगा, सो इट कैन बी मोटिवेशनल ऑल्सो. सो एवरी काइंड ऑफ फेयर इज नॉट बैड, ठीक है, ये पॉजिटिविटी भी हो सकती है. दूसरी जो साइकोलॉजिकल डर है वह बेसिकली जो डर है वह साड़ी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, वह डर होंगे ही नहीं है, सिर्फ वो असी अपने अंदर जड़े ने पाए हुए ने जिन्हों का कि कोई वजूद नहीं है, तो उन्होंने असी किस तरह हैंडल करना. पहला इन भी असं एक्सप्लेन करते हैं कि साइकोलॉजिकल डर किस तरह पाए ने ते क्यों पाए हुए ने. एक काफिला जा रहा होंगे, 100 ऊंटों का काफिला होंगे वै, तो रात पै जाती है बहुत ज़्यादा, तो रेगिस्तान के विचों ऊंट बंधे ने राती सौन तो पहला, तो अगों शुरू करना होंगे. 99 जिहड़े ऊंट हुंदे ने वो बन्ने जांदे ने, ते देखा जांदा है कि एक रस्सी ते एक खूंटी जिहड़ी है ऊंटां नूं बन्नण वाली नहीं हैगी, वो गुआच गई है. हुण जे तुसीं ऊंट नूं राती बन्नोगे नहीं ते ऊंट उठ के इधर उधर हो जांदा ते भटक जांदा है, सो उहनूं बन्नना बहुत जरूरी हुंदा. हुण उन्होंने बड़ी कोशिश की जिहड़े व्यापारी सीगे कि सानूं कितों रस्सी ते खूंटी मिल जावे, उन्हां नूं नहीं मिलदी है. थोड़ी दूरी एक सराह हुंदी है, तो उत्थे जांदा है वो व्यापारी, तो जड़ा बंदा होंदा उन्हूं कहिंदा है कि मैनू एक रस्सी ते खूंटी दे दो, साड़ी एक गुआच गई है ते मैं ऊंट नूं बन्नना वा. वो कहिंदा मैं गरीब बंदा, ना मेरे कोई रस्सी है ना मेरे कोई खूंटी है. वो कहिंदा हुण मैं की करां, थके असीं पए हां, मैं सारी रात बैठ के ऊंट की पहरेदारी नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरा कोई हल कढ़ो. वो कहिंदा फिर इस तरह कर, जे हल कढ़ना है तो जिस तरह खूंटी ठोकी दी है उन्हूं ठोक, ते जिस तरह रस्सी गले च पाई दी है उस तरह गले च पा दे ऊंट दे. वो बड़ा हैरान रह जांदा, हसदा, वो कहिंदा इस तरह किस तरह हो सकता है, जिहड़ी चीज़ हैगी ही नहीं उन्हूं मैं ठोका किवें, ते जिहड़ी पाई हुई रस्सी ही नहीं हैगी, पाई नहीं जा सकती, उन्हूं मैं किस तरह पा जावां, ते नाले मैनूं दस जे मैं ठोक भी देवां झूठी मूठी ते पा भी देवां झूठी नूं ते ऊंट राजी हो जाएगा. वो कहिंदा तूं ऊंट की गल करदा, मैं ते बंदे राजी हुंदे देखिया झूठ नाल, तूं जा इह काम कर. बड़ा हैरान हों, इस तरह जाके झूठी खूटी ठोकदा, झूठी रस्सी गले च पाँदा, तो ऊंट नूं इशारा करदा कि बैठ जा, ऊंट बैठ जांदा. तो सवेरे सारे ऊंटां दियां देखदे कि ऊंट उत्थे ही हुंदा, सारे ऊंटां दियां रस्सियां खूंटियां खोलदे ने, सारे उठ के तैयार हो जांदे ने. वो ऊंट जिहड़ा हुंदा उत्थे दा उत्थे ही बैठा रहिंदा, उन्हूं बड़ियां आवाज़ां मारदे ने, बड़े इशारे करदे ने, उठ उठ उठ, वो ऊंट नहीं उठदा. बड़े हैरान होंदे ने, उह कहिंदा बंदा जिहड़ा सराह दा मालक सीगा इह कोई जादूगर ते नहीं सीगा कि पहला राती उन्हूं कहिंदे झूठी खूंटी लाओ, झूठी उहदे गले च पाओ, ते उह बैठ गया ते हुण उठदा नहीं पिया. फिर उह जांदे उहदे कोल, बंदे कोल जांदे ने, उह कहिंदे जी उह ते उठदा ही नहीं पिया. उह कहिंदे जिहड़ी खूंटी राती लाई सी ते जिहड़ी रस्सी उहदे गल च पाई सी उहनूं कढोगे ते उह उठेगा. उह कहिंदा जिहड़ी मैं पाई नहीं उन्हूं कढ़ा किवें. वो कहिंदा जिवें पाई सी उवें ही कढ. उस तरह ही जांदा जाके खूंटी भी कढ़दा, आवाज़ करदा जिवें निकल गई, तो ऊंट दे गले चो रस्सी भी कढ़दा जिस तरह निकल गई, तो ऊंट मिंटां च उठ जांदा है. सो साडा भी यही हाल है कि झूठियां खूंटियां ते झूठियां रस्सियां नाल असी बन्ने होए आ, उन्हां दा जाल बनिया होया है. ते ऐ जड़ियां खूंटियां ते रस्सियां जे जड़े डर ने, जे तुसी ध्यान नाल उन्हां नूं देखोगे तो सारे झूठ दे उत्ते बेस्ड है, सब झूठ है उहदे च, कुछ भी 99% जे तुसी उन्हां दा विश्लेषण करोगे ना, तो उन्हां दे विच कुछ सच नहीं हुंदा. सिर्फ साडा मन उन्हां नूं मन के बैठ गया कि इंज करिए तो इंज हुंदा, इंज करिए तो इंज हुंदा, जदके जे तुसी उन्हां नूं जान लवोगे तो वह सारे डर तुहाडे टुट जाणगे. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂੰਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੂੰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਬੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਕ ਯੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਕ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਏ, ਬੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਦਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਆਫ ਫੇਅਰ। ਇੱਕ ਬੋਕਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟੀਡੋਟ ਆਫ ਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਫੇਅਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।